मैं दिन सा तेरे साथ था, तेरे बिना मैं रात हूँ, तेरे लबों पे ना रुका, जो मैं वही तो बात हूँ, मैं जरा जरा सा मुझ में हूँ, तू जरा जरा सा खुद में है, हम पूरे पूरे होते साथ में, मैं जरा जरा सा मुझ में हूँ, तू जरा जरा सा खुद में है, हम पूरे पूरे होते साथ में। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ दो खास मेहमान, द प्रिटी एंड ब्यूटीफुल अमायरा दस्तूर एंड द सोलफुल सिंगर स्टेबिन बेन। आप दोनों का एक बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अमायरा, आपसे शुरुआत करते हैं। इस बार एक नया कुछ नया लेके आ रहे हैं। हमने आपका एज एन एक्टर तो बहुत बार देखा है, बट इस बार एक नए गाने के साथ नया एल्बम, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में। I don't know, I just really love the song. जब जी म्यूजिक ने मुझे स्टेबिन का गाना भेजे थे तो मैंने सुन लिया, मुझे बहुत पसंद आया एंड आई सेड आई एम टोटली डाउन फॉर इट, लेट्स डू इट। और फिर पता चला कि हम कश्मीर शूट कर रहे थे और कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, सो आई वॉज लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ ग्रेट सॉन्ग। स्टेबिन फ्रॉम यू, लाइक गाना काफी पॉपुलर हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, हम जितने भी हमने देखे हैं अभी, तो किस तरह का लाइक द प्रोसेस, हाउ वाज द एंटायर प्रोसेस? द एंटायर प्रोसेस वॉज ग्रेट। इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद द एंटायर टीम, सभी के साथ काम करके बहुत मजा आया। और अभी गाना लोगों को पसंद आ रहा है तो अभी प्रोसेस लोगों पे चले गया है। आई होप उनको पसंद आते रहे और लोग गाने को प्रमोट करते जाए। हमारे जो टीम वाले सब लोग हैं, सबको पसंद आया है सॉन्ग। और पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, चरित ने अच्छा डायरेक्ट किया है और मुझे लगता है कि अब प्रॉपरली ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे गाने को और कितना प्यार देते हैं। आई होप वो सॉन्ग वायरल हो जाए, उसको बहुत सारा प्यार मिले सभी से। स्टेबिन, गाना तो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है, योर वॉइस इज रियली ब्यूटीफुल, बट जब आपको पता चला अमायरा इसमें आ रही है, अमायरा इसे कर रही है, और जब पिक्चराइजेशन हुआ एज इन कश्मीर, लाइक इट इज हेवन, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो जिस तरह से पिक्चराइजेशन हुआ अमायरा के साथ, तो वो कैसे, लाइक हाउ वाज दैट थिंग? बहुत ही जबरदस्त। मैंने जब मुझे पता चला था कि अमायरा आ रही है तो आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि अमायरा को मैंने देखा हुआ था ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन, मैंने उनके उनके काम देखे हुए थे, तो आई वॉज हैप्पी शी वॉज देयर। और आप खुश होते हो जब आपको पता होता है कि जब आप कुछ नई चीज ट्राई कर रहे हो, जहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। मैं लर्नर और मैं किसी भी वक्त हमेशा सीखने के लिए रेडी होता हूँ, तो मैं उस पूरी जगह पे एक्साइटेड था कि काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ मैं। और क्योंकि चरित भी काफी काम कर चुके हैं तो उनके साथ ही बहुत मजा आ रहा था, तो पूरी टीम जो थी उनके साथ काम करने में काफी ज्यादा मजा आया। और अमायरा ऑब्वियसली सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्हें काफी कंफर्टेबल फील कराया मुझे पूरे सेट पे, और वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, वो तुम्हें परफॉर्मेंस से दिखता ही है, और इसलिए वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस अमेरिका का बहुत अच्छा था और मुझे उनके साथ बहुत मजा आया। It was great that we can see Stebin is all praise for you. So, like Amira, how was the entire experience Kashmir में shoot करना specifically, like such a beautiful beautiful place, is heaven on earth. So, इस समय में जब थोड़ा सा we all are going through a pandemic, we all are surrounded with negativity, उस समय इतनी अच्छी जगह पे थोड़ा सा शांत एकांत अच्छे से सुकून में शूट करना कैसा रहा? लोग कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है एंड आई कुडंट अग्री मोर। आई मीन मैं ये पहली बार था, सो आई वाज जस्ट टेकन अबैक बाय द व्यूज, बाय द माउंटेन्स, बाय द रिवर्स, जस्ट सब कुछ। और जो वो वहां का मौसम भी इतनी खूबसूरत थी, लाइक इट वाज कोल्ड बट धूप था, सो इट वाज जस्ट अमेजिंग। एंड शूटिंग विद स्टेबिन, शूटिंग विद द फुल टीम, सब बहुत कोऑपरेटिव थे। स्टेबिन आल्सो, आई नो दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज रियली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन आई थिंक 2-3 घंटे के बाद ही वाज अमेजिंग, ही जस्ट वेंट फॉर इट। एंड आई मीन आप तो गाना देख चुके हैं, यू कैन सी दैट इट्स जस्ट कम आउट रियली वेल, सो या क्रेडिट टू एवरी मेंबर ऑफ द टीम। एक्चुअली ये अगला सवाल मेरा आप दोनों से, अमायरा एंड स्टेबिन,
लाइक ऑब्वियसली जब भी हम किसी के साथ पहली बार काम करते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो एक प्रीकंसीव नोशंस होते हैं कि ये इंसान इस तरह का है, ये इस तरह की है. स्टेबिन, आपने अमायरा को ऑलरेडी ऑन स्क्रीन देख रखा था, उनका काम देख रखा था, कि एक इमेज की किस तरह की बंदी होगी, कैसा होगा. एंड अमायरा, व्हेन यू मेट स्टेबिन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हाउ वाज दैट आइस ब्रेकिंग मोमेंट, द फर्स्ट एनकाउंटर कैसा रहा, लाइक एनी इंसिडेंट और एनी मेमोरी विद दैट? तो पहले मुलाकात एक्चुअली एक जूम कॉल पे था हमारे डायरेक्टर चरित के साथ, एंड आई डोंट थिंक आई स्मोक पंच, आई जस्ट स्माइल्ड. तो वो बार बार पूछ रहे थे कि आप इतने स्माइल क्यों कर रही है, यू नो, इज एम आई सेइंग समथिंग रॉन्ग, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं बस ऐसे ही हूँ. सो फॉर मी आई डोंट जज. मैं बहुत को एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, बहुत लोग के साथ काम कर चुकी हूँ. सो आई वर्कड इन द साउथ, आई वर्क in Bollywood also. So for me, I don't judge before, you know, I meet the person. Or Stebin se milne ke baad, I knew he was a really sweet guy, very very involved in his work, which I really like, and very professional. So I was very happy. Stebin, first time on camera, and that too with Amaira. Yeah, see. Yeah, I mean, बहुत ही ज्यादा अच्छा था जो मेरा फर्स्ट इनके साथ मीट था, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली यही याद आता है जब मैं फर्स्ट शॉट के लिए जब मैं रेडी हुआ था, और पहला शॉट ही सबसे एक्टिंग ओरिएंटेड था, जिसमें मुझे काफी ज्यादा इंटेंस होके चिल्लाना था और एक सिचुएशन दे दी थी. तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूंगा सिचुएशन में, तो मैंने अपने आप को उसमें लेकर गया उस सिचुएशन. मैंने सोचा कि अगर शायद सच में ऐसा हो रहा होता, और मैंने अपने हिसाब से दिमाग में अपनी स्टोरी बनाना चालू करी कि मैं कॉन्सर्ट्स के बारे में लड़ रहा हूँ, कॉन्सर्ट्स के टिकट्स, कॉन्सर्ट से किसी शो के चक्कर में लड़ रहा हूँ अमायरा से. तो एक ऑटोमेटिकली मैंने अपने अंदर एक स्टोरी बनाई, और जहाँ पे अमायरा भी उस सिचुएशन में आ गई, हम लोग दोनों ही एक काफी एक्टिंग जोन में थे. बाकी जैसे अमायरा से मैं कभी मिला नहीं था, और हमारे काफी म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं थे कभी, तो ऑब्वियसली एक नया एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना. मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही स्वीट होंगी, क्योंकि जनरली जितने भी आज एक्टर्स हैं काफी वेलकमिंग होते हैं अपने दूसरे एक्टर फ्रेंड्स के लिए भी, और जितने भी जो नए नए आर्टिस्ट आ रहे होते हैं उन सबके लिए. सो वो चीज देखने को मिली थी. इन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, एक एक आर्टिस्ट नए आर्टिस्ट को जैसे ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही किया. और फ्रेंडली थी, अच्छे से हंसते खेलती थी पूरे सेट पे, एक मस्ती हो रही होती थी इस वक्त, और ये पूरे सेट पे खुश रहती थी. सबसे अच्छी बात ये थी कि एक पॉजिटिव वाइब मिल जाती है आपको सामने वाले एक आर्टिस्ट से, और इनसे एक वो पॉजिटिव वाइब खिल खिल के आ रही होती है, क्योंकि ये बहुत ऐसी रहती है हमेशा सेट पे, मस्ती कर रही थी, और फन था. इतनी अच्छी जगह पे शूट कर रहे थे, वो भी कश्मीर में, और क्या हो सकता है. इन करंट सिनेरियो की बात करें, वी ऑल आर गोइंग थ्रू एन पेंडेमिक, तो इस दौरान मतलब वी हैव सीन यू आल्सो कमिंग फॉरवर्ड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स विद कुछ अच्छे कॉज के लिए, सोशल वर्क, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बता सके कि हाल समय में लाइक क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से लाइक गिविंग बैक टू सोसाइटी. आई गेस यू बिलीव अ लॉट इन दैट. इट्स द वे माय मॉम रेज मी. जब से मैं छोटी थी, मम्मी हर वक्त यू नो रेड क्रॉस के साथ काम कर रही थी, सो शी नोज अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली वर्क विद अ लॉट ऑफ चैरिटीज. और मैं दो चैरिटी को सपोर्ट करती हूँ लाइक वेरी वेरी प्रोमिनेंटली, और वो एक है शिक्षा फाउंडेशन, जो लड़कियों के लिए है, जो बच्ची के लिए है, उनके लिए हम एजुकेशन के लिए पे करते हैं. आई ट्राई टू गेट डोनेशंस फ्रॉम माई फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. अभी भी हमने 30 फैमिली के लिए 3 महीने के लिए राशन किट्स दी है, so that they can survive this pandemic, and these are the main daily wage earner families jinko koi income nahi hai abhi, like they're not making any money. So I try to promote things like that to help people who really need it right now. Aur dusri charity jo hai is World for All Animals. To mere sare pets jo hai, jo mere zindagi mein the, jo abhi bhi hai, are all from this charity, and I've always promoted adoption and not trying to get a pure breed, because I think is duniya mein you have to have a balance of both, so one for people and one for animals. That's really great work you have been doing, Amaira. Hats off to you. और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं इस दौरान, इस समय पे आप आगे आ रहे हैं. Stebin, with you, जिस तरह से you all are going through a pandemic, तो इस समय किस तरह से आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं? Because समय डाउन द लाइन हर कोई घर में बंद है. दो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनलॉक,
बट घर पे किस तरह से आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं? आर वी गेटिंग सम न्यू सॉन्ग्स और भी बहुत सारे नए गाने आर इन पाइपलाइन? काफी सारे गाने और काम अभी यही है क्योंकि जब तक फिल्म्स नहीं आ रही, जब तक आई एम फोकसिंग मोर ऑन द इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, नॉन फिल्मी सॉन्ग्स. आई केम टू बॉम्बे एक्चुअली टू वर्क इन बॉलीवुड फिल्म्स, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे गाने देने थे और लकी देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप. बट फॉर नाउ सिंस यहाँ पे अभी films are not coming out, so I think it's a good time for independent songs to come out, and I'm really happy that so many independent artists like me are getting chances, you know, because you don't have to be dependent on big films also now. You can make your own way through your music. So kahin na kahin itne platforms aa gaye hain, artists ke itne chances aa gaye, to lockdown ko maine kafi utilize kiya hai apne music ke liye aur apne family ke sath kafi zyada time spend kiya hai, kyunki जनरली ये होता है हम जब बड़े हो जाते हैं तो आप अपने शहरों में चले जाते हैं, अपने कामों में इतना लग जाते हैं कि दैट वी फॉरगेट आवर फैमिलीज. सो आई मेड श्योर दैट आई एम गिविंग ऑल माय टाइम टू माय फैमिली, एंड क्योंकि हम घर पे हैं तो पूरा समय उनको मैंने दिया, उनका ध्यान रखा है. जितना मैं अपना कॉशियस रह सकता था मैंने कोशिश की. एंड रही बात, सो आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई डैड एंड हिज फैमिली वी गिव अ लॉट टू सोसाइटी ऑल्सो. वी ट्राई आवर बेस्ट, हम जो भी कर सकते हैं जिस भी तरीके से कर सकते हैं हम लोग कोशिश करते हैं. एंड So far it's all going great, and I hope ki pandemic jaldi se khatam ho jaye jisse ki logo ki problems thodi kam ho jaye yahan pe, kyunki hum log to shayad kafi kam problems dekh rahe hain but bahar logo ko zyada problem ho rahi hai pandemic. Main din sa tere saath tha, tere bina main raat hu, tere labo pe na ruka, जो मैं वही तो बात हूँ, मैं जरा जरा सा मुझ में हूँ, तू जरा जरा सा खुद में है, हम पूरे पूरे होते साथ में. मैं जरा जरा सा मुझ में हूँ, तू जरा जरा सा खुद में है, हम पूरे पूरे होते साथ में. Wow, that's really great. The soulful voice. We really loved it. Thank you so much, Steven. Thank you, Amaira. Bada maza aaya. Thank you. Wishing you good health. Thank you so much. Thank you, Baba. Bye. Thank you. Bye. Take care. Yeah.